श्री कृष्ण राधे राधे मेरे भाइयों एवं बहनों, आज मैं जो बता रही हूँ बड़े ध्यान और भाव से, भक्ति भाव से सुनिए। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये मैं शास्त्र में पढ़ी हुई लिखी हुई बात बता रही हूँ, मनगढ़ंत बात नहीं बता रही हूँ, इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनिए। सुबह उठकर सबसे पहले तो आप सूर्योदय से पहले उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ब्रह्मदेव बहुत खुश होते हैं, तो मनुष्य को किसी बात की कमी नहीं रहती है। इसलिए कोशिश करिए कि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और उठते ही अपने इष्ट देव जिसकी आप पूजा करते हैं सबसे पहले उनको प्रणाम कीजिए, इष्ट देव को प्रणाम कीजिए। फिर आप अपने दोनों हाथों को देखिए, इसी हाथ में आपके कर अग्रे बसे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कर अग्रे बसे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। और आप ऐसे हाथों को देख के अपने मुंह पे भी ऐसे अपने मुंह पे लगाइए। फिर आप धरती माता को प्रणाम कीजिए, फिर उनके ऊपर अपना पैर रखिए। पहले धरती माता को प्रणाम कीजिए, उसके बाद आप नहा धोकर एकदम शुद्ध होइए, तैयार होइए, और जाकर के सूर्य देव को प्रणाम कीजिए और उनको रोज़ जल अवश्य चढ़ाइए। अगर मिलता है तो एक लाल पुष्प सूर्य देव को चढ़ाइए जल के साथ। कुछ भी उनके बारे में भी उनका मंत्र बोलिए, नहीं कुछ आता इतना ही बोलो, ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, उनका कोई भी मंत्र बोलिए बड़े प्रेम और भक्ति से। फिर आप तुलसी माता को प्रणाम करिए। अगर कहीं से शंख या घंटे की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है मंदिर से तो बहुत शुभ होता है, नहीं तो तुलसी माता को प्रणाम कीजिए, तुलसी माता को जल डालिए। उनका भी बहुत सारे मंत्र हैं, आप पढ़िए, कुछ नहीं आता तो इतना बोलिए, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो, जल दीजिए। फिर आप भगवान शिव को जल दीजिए और धीरे धीरे उनको बड़े आराम और प्रेम से जल दीजिए। उनका पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जल दीजिए। फिर आप पूजा घर में धूप दीप सब जलाइए, पूजा पाठ करिए, सब करिए। उसके बाद आपके घर में जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे बड़े उनका चरण स्पर्श करिए, जैसे माता पिता, सास ससुर, बड़े भाई भाभी, जो भी आपसे बड़े हैं, बड़ी बहन, वहाँ अपने पति देव का चरण स्पर्श करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। अगर छोटे बच्चे आपको प्रणाम करते हो तो उन्हें भी अपने हृदय से आशीर्वाद दीजिए। और चाय पीते समय, जब आप चाय बनाते हो, चाय पीते समय काम वाली अगर आ जाती हैं या कूड़ा वाले आ जाते हैं तो उनको भी आप चाय बिस्किट कभी कभी पिलाया करिए। कोई प्यासा आए तो उसे शुद्ध जल पिलाइए। ऐसे करने से अगर सुबह आप करेंगे तो इस लोक में सुख संपत्ति यश वैभव प्राप्त करने के बाद अंत में विश्व लोक में भी चतुर्भुज रूप में जाकर आप विष्णु जैसे ही आपको सम्मान मिलेगा, वहाँ वैसे आपकी प्रतिष्ठा होगी वहाँ। जय श्री कृष्ण राधे राधे।